मारा घर ले देवी ले मारा पुरकनी माता ले। अमेर को बचा लो, अमेर को बचा लो, अमेर को बचा लो। लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला। छोटा सा खर्च भी नहीं आया सर, इतनी सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से सर। बच्चा कैसे खो जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर खो जाता तो हम सोते नहीं है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतने बड़े संकट से सही सलामत घर पहुंचना ये भी बहुत परमात्मा की कृपा होती है तब होता है। अच्छा मुझे बताइए कैसे मुसीबत शुरू हुई, कब पता चला, आप उस समय कहाँ थे, आप लोग साथ थे कि अलग अलग थे, हम सारे बताइए। हम सारे रूममेट थे। हाँ, एक ही रूम में सब लोग थे, सब एक ही होटल में, बाजू बाजू होटल था। हाँ, अब 20-15-10-30 ऐसे रुके थे सारे, और थोड़ा थोड़ा सा आवाज आया। वो कभी भी ऐसा होता था, ये होता है ऐसा, महारत महारत बोलते थे वो लोग ऐसा। उसके बाद में बड़ा बड़ा साउंड आने लगा, पहला नंबर पानी वाला टैंक उड़ा दिया, दूसरा तीसरा नंबर लाइट का उड़ा दिया, और चौथा सारा खाना पानी का सब उड़ाने लगे। बड़े बड़े माहौल में जाएगा माल उड़ा दिया, एयरपोर्ट उड़ा, कुछ भी नहीं बचा एयरपोर्ट सर जी, कुछ भी नहीं बचा। और हमेरे को इतना तकलीफ में हो गया हम, हमेरे को बचा लो, हमेरे को बचा लो, हमेरे को बचा लो। लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रहो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन वाले हो गए, ऐसा होने लगा मेरे दिल में। खुशबू खाना एम्बेसी वाला सेफ्टी किया और हमारे को बस का इंतजाम किया, वहाँ से हमने भूत सुडान पहुँच गया। कितने साल से जाते हैं आप वहाँ? कम से कम 4-5 साल से हम जा रहे हो। जो हमको ऊपर से देखा मैंने, कैसे हमको बचाएगा, या फिर जिंदा जाएंगे या जिंदा नहीं जाएंगे, वो हम बहुत सोचा मैंने, सोचने के बाद में भाग। आप भगवान सबके बेटे हैं, अपने स्पेशल मीटिंग छोड़ा थी दिल्ली के अंदर में, पूरा देख लिया कि हमको विश्वास हुआ कि मेरा नरेंद्र मोदी हमको बचाने के लिए। बच्चे को, बच्चा कैसे खो जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के हमको। धन्यवाद, हम कितना धन्यवाद करेंगे तो हमको कम। 10-12 दिन तक घुस के रहे, एक ही कमरे में बंद रहे। जब हमारे इंडिया आपको पता चला कि हमारे बारे में, तो आप ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया, तो हमको इतना खुशी हुआ कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना सब कर रहे हैं, हमको बहुत बहुत खुशी हुआ। तब हमको जितना डर था वो सब डर निकल गया सिर्फ आपके वजह से। और जब हमें वहाँ से निकाल के हमारे सभी सुविधा, कुछ भी एक छोटा सा खर्च भी नहीं आया सर, जितने हमें सब इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है सर। हमारी बात, हमारी पुकार, हमारे रोना धोना, हमारे जो भी हमारा मुश्किल था आपके पास पहुँचा। आपने हमारे इतने सारे लोग, सिर्फ हक्की पिक्की कम्युनिटी के ही 210 लोग थे, उनको आपने लेके आए। तो सब दवाई बेचते हो, तो सब आपकी दवाई पे भरोसा करते हैं? आयुर्वेदिक दवा है। महाराणा प्रताप के साथी थे और महाराणा प्रताप ने जब ये उनकी स्थिति बनी तो उन्होंने वचन व्रत लिया था कि मैं विजयी होकर के वापस आऊंगा, तब तक मैं घास पर सोऊंगा, ऐसा कहा था ना। आपके पूर्वजों ने तय किया था कि जब तक राणा प्रताप फिर से प्रस्थान नहीं लेते हम घर पे नहीं रहेंगे, हम घूमते रहेंगे। ये इतना बड़ा त्याग किया है आपके पूर्वजों ने।
अच्छा आप लोग तो कहते हैं कि गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं। चावन दे ले वो देवी, हमारा घर में देवी ले, मारा पुरकनी माता ले, ओ कालका ओ काली, मारी मैया तू ले, वो वो ओ देवी, जवैश वो वो, जवैश वो वो, जवैश वो वो, ओ देवी ले ओ देवी, हमारा घर नी ओ देवी, गिरा जूनी ओ देवी, ओले ले ओले ले। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं है, और इसलिए हम दिन रात लगे रहे। हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे, हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहां छुपे हैं, पता चलेगा तो कोई मार देगा, तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा लूट भी चल रही थी तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी, तो हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो, और हमें खुशी है कि आज देश के 4000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए ये देश की ताकत है, देश की ताकत कभी मत भूलना, भूलोगे क्या? ये देश आपके लिए करता है। कभी भी जीवन में किसी भी मदद करने का मौका आए ना, हमेशा करना। मदद कैसे काम आती है वो आपने देखा है। कभी भी किसी को भी मदद करने का मौका मिले जीवन में, इस घटना को याद करना, कभी देखिए हम भी मुसीबत में थे तो हमारे कोई न कोई आया था, जवान आया, कोई सैनिक आया, हमें ले गया। समाज को और देश को कभी भूलना नहीं चाहिए।